गाइस हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय। तो ये वीडियो सुशांत ये वाला गाना इसमें क्यों आया ये चैनल पे बता दे जरा। ये तो कॉमेडी चैनल है आपको पता ही है, बट जुड़वास टीवी में थोड़ा सा वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला स्ट्राइक मार दिया ना अपने यूट्यूब ने, तो अभी बात चल रही है वो दो दिन में उधर आ जाएंगे वापस चालू हो जाएंगे। तो म्यूजिक के लिए आप लोग उधर सब्सक्राइब करो जुड़वास टीवी को, और सिर्फ कॉमेडी वीडियोस के लिए बकवास जुड़वास को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो उधर दो दिन बाद चालू हो जाएगा, टेंशन नहीं है, हम लोग भी लगे हैं क्योंकि 7 दिन का वक्त रहता है, तो दिन अभी दो ही दिन बाकी। और हम लोगों ने बात भी किया यूट्यूब से, कुछ बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है कि कैसे क्या हुआ, मतलब थोड़ी बहुत गलती भी है उसमें, वो वीडियो बता दी भी और उनकी भी, तो वो आपको रिवील करेंगे उसमें स्पेशल वीडियो जुड़वास टीवी में ही अपलोड हो जाएगा। तो अभी अपन सुनते हैं एमए बंटाई का पानी में। स्वालिना बहन है अपनी और गालिब है, एक नया आर्टिस्ट दिख रहा है, नया आवाज बोली तो नया नाम दिख रहा है, नाम इतना ये है यंग गालिब 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 तो पता ही है भाई। तो अभी भाई की लिरिक्स सुनते अगर गालिब के हिसाब से नहीं रहेगी ना गालिब ऊपर से आके बहुत पेलेगा भाई। चलो तो गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और बस कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। चलो यस एक बार देख तो क्या चालू किया ना तुमने। चलो गाइस सुशांत चालू करते बंटाई स्टूडियो प्रेजेंट। मैं तो आग लगा दी पानी में, अब से खड़ी हूँ मैं पीछे पड़ी हूँ मैं, सर पे चढ़ी। देखो बॉलीवुड वाला फील आ रहा है सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। और जो जो सैंपल यूज किया है वो सैक्सोफोन है या ट्रम्पेट है, एक मिनट। हाँ एक लगा दी पानी में, ये ट्रम्पेट और सैक्सोफोन के बीच में कंफ्यूजन है, पर ट्रम्पेट ही हो सकता है क्योंकि एक जो नॉइस आ रहा है ना वो उसका वो है, मेरे को सैक्सोफोन लग रहा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको सुनाई में आ रहा है ना, बस खत्म। मैं एक बात बताता हूँ, ये सैंपल जो है ये वाला सैंपल ये बहुत पुराना सैंपल है, पर इसको सैंपल ही अच्छी की अच्छी होनी है। अगर अगर आपको मैं एक रेफरेंस दू, 2012 में एक गाना आया था, अरे हनी पाजी का और हिमेश ऋषि भैया का, नहीं क्या ओ बारिया तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में धड़के जिया ओ बावरिया। स्टाइल गाना बहुत लोगों को याद होगा, तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर। तो ये गाने में सैंपल, मतलब ये सैंपलिंग अच्छी की है, है कि नहीं, दोनों ऐसा लग रहा है कि वो भी सैंपल और ये सैंपल में सैंपलिंग की है टोनी ने, ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो वो जो आया वो ये है, आपको बता दूं ये जो हम बजाते हैं ये है। ये कौन कौन, क्या टोनी ने और किसने किया था, नीचे अभी अपन डिस्क्रिप्शन में देख रहे थे, ये टोनी ने और इसने किया योगी। हाँ ओके ठीक, तो मैं बता देता हूँ कि ये सैंपल बहुत पुराना है, बट इसको सैंपलिंग अभी नए से हिसाब से किया है, ऐसा टाइप। तो इसमें अच्छा वाइब है, अच्छा वाइब है, चलो बॉलीवुड का वाइब आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या मचांड है। भाई इतने सारे गाने कहीं ऐसा लग ही जाता है किधर ना किधर, ऐसा अपने को हो जाता है। ये हमारा ये है, हाँ हमारा पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे गलत भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं हम लोग, बट जितना मेरा कान बोल रहा है तो मैंने ये सैंपल बहुत पहले सुना था, बट इसको सैंपलिंग अच्छी किया और थोड़ा अच्छे से क्लीन भी किया, बिल्कुल है कि क्लीन अच्छा किया, क्लीन अच्छा किया। चलो मैं तो आग लगा दी पानी में, कब से खड़ी हूँ मैं पीछे पड़ी हूँ मैं, मना लेके शुबे भी सर पे चढ़ी। अरे एक मैंने टोनी है ना सैंपलिंग करता है, अभी वो मचाएंगे क्या, उसने खुद ने वो उसमें बोला था ना, एक सैंपल था मैंने उसको सैंपल लिया लाए अपने हिसाब से बनाया, तो वैसे ही सेम बिल्कुल। सॉरी गाइस मैं फ्लो तोड़ रहा हूँ, मेरे को याद आया एकदम से, तो मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं रोकूंगा। कब से खड़ी हूँ मैं पीछे पड़ी हूँ मैं, मना लेके शुबे भी सर पे चढ़ी हूँ मैं, सॉरी बड़ी
सयानी मैं दुनिया मेरी दीवानी है गर्मी इतनी बदन में फैली आग लगा दी पानी मैं के मदीरा लगाती ठुमके जैसे शकीरा आइस ड्रिप गले में सोना है हाथों में हीरा होते दीवाने जब कमर दे अपनी तू बेस पे गिरा दे देती ट्रिप बंदिया सीखना चाहे सलीका तू सिंगल पीस दुनिया में होगा ना कोई तेरे जैसा करती जो फ्लिप जान लेवा नाचने का तरीका दुनिया को मार दूंगा तुझे लगेगा पासपोर्ट बेबी नो वीजा रानी बना के मैं रखूंगा जैसे रहती बेबी क्वीन एलिजा अरे हल्ते में हल्ते में प्यार हो गया मेरा भाई वापस पीछे पड़े ले हैं भाई पर... एक मिनट में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं वापस लगाता हूँ भाई की पार्ट से ये गाना ना मेरे को 100% इंस्पायर्ड हुआ ये मेरे नोटी सही है जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 डब्ल्यू डबल डी 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 आप बीट देखो उसका बीट देखो और इसका बीट देखो सेम लग रहा है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड थीम है और बॉलीवुड थीम अगर करते हैं तो हम लोग बहुत सारे ऐसे अपने को बॉलीवुड अगर आ जाते बहुत सारे ऐसा लगता है कि यार किधर ना किधर मिल रहा है और अपने यो यो हनी सिंह के अलावा आप कोई इंस्पिरेशन ले ही नहीं सकते एग्जैक्टली नाम भी दे लूंगा तो वैसा है हाँ। वैसा लग रहा है गुड अच्छा है, अच्छा है। और बहुत लोग मैं बोल रहा था नया वाइब है नया वाइब है और जो भी एमए बंटाई को बोल रहा होगा अरे ये क्या है रे हाँ। ये क्या बना दिया तो गाइस ये बॉलीवुड हाँ। पैटर्न है थोड़ा सा तो ये कमर्शियल ट्रैक है कमर्शियल एग्जैक्टली बिल्कुल आप बहुत लोग जो एमए पहले एमए बंटाई को सुनते हो वो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है ये क्या बना दिया भाई ने बट मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये बॉलीवुड बेस्ड और बॉलीवुड थीम सॉन्ग है ठीक है तो इसे तो आप कंपेयर मत करो नहीं तो आउट ऑफ संपर्क बोलोगे जितने भी गाने हैं भाई करेगा पुराने वाला मेरा भाई वो एमए बनता है अलग है और ये वाला एमए बनता है कमर्शियल है बिल्कुल ठीक है ये नोट कर लेना ठीक है और ये गाना नए चैनल पे कर रहे हैं तो ज्यादा पब्लिक को पहुंचेगा नहीं तो आपका काम है पहुंचाना हम लोग उस चैनल पे भी डालेंगे ये बिल्कुल ठीक है उधर के पब्लिक को क्योंकि फैलने को टाइम लगता है थोड़ा सा तो ये मेरा पॉइंट है ठीक है क्योंकि मैं भाई से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं भाई के बारे में बोलना पसंद भी करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं चलो लगाओ यंग गालिब नाइस नाइस फ्लो भाई अच्छा फ्लो है भाई गालिब भाई कमर्शियल के हिसाब से कमर्शियल के हिसाब से कमर्शियल के हिसाब से यंग गालिब बिल्कुल यंग गालिब है बिल्कुल नहीं तो आप लोग गलत ले लेते हो निशु बिल्कुल नहीं तो पब्लिक गलत ले लेती है यंग गालिब के हिसाब से ही है यंग जैसी पब्लिक आजकल की सुनती है आजकल के समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना भिड़ू बस ज्यादा हो गया क्या मेरा भाषण मेरे को ऐसा लगा मैं फॉलो फ्लो में चल जाता हूँ यार हमारा काम है रिव्यू करना तो रिव्यू करते हो जाता है थोड़ा सा ठीक है तो चलो अभी यंग गालिब को हो गया अभी हम लोग एमए भाई को सुनते बेबी क्वीन एलिजा अरे हल्ते में फलते में प्यार वाला शॉट सिंगलू पीछे पड़े ले है बहुत पर तेरे लिए बहुत क्या फीलिंग है दिल में जितनी तू हॉट हां उतना ही चिल में चुप करता हूं किल में बॉलीवुड वाइब या आओ फिर ड्रिल में भाई देखो देखो भाई ने भी बोला भाई ने भी बोला अभी समझ जाओ नहीं तो मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन अरे क्या है रे ऐसा बोलते पब्लिक तो मेरा काम है आपको कैटेगराइज करवाना कि ये एमईओ बनता है ये अलग कैटेगरी है ये अलग कैटेगरी है मतलब कमर्शियल और अंडरग्राउंड वाला फील अलग है अलग है ठीक है ठीक है इसके पहले वाला भी गाना कमर्शियल ही था वो कौन सा था नहीं वो था एक गाना नहीं का स्वानिरा बहन के साथ ही था हाँ वो गाना वो क्या है वो चैनलों का वो भी दिमाग में चलते रहता ना तो याद नहीं आता बराबर बराबर चलो तो चलो अपन भाई को वापस लगा दे
बना के मैं रखूंगा जैसे रहती बेबी क्वीन एलिजा। अरे रहते में फलते में प्यार वाला शॉट, सिंगल हूं पीछे पड़े ले है भाग पर तेरे लिए बहुत क्या फीलिंग है दिल में, जितनी तू हॉट हां उतना ही चिल में, चुप करता हूं खेल में, बॉलीवुड वाइब या आओ फिर ड्रिल में, प्यार कितना तेरे लिए दिल में, चिल्ला के बोल देंगे भरी में फिल्म में, घुसना है तेरे कहानी में, कम हुआ इतना सब बोलेंगे रापर अंबानी है तू तो तूफानी है, ये तो आग लगा देगी पानी में। पीछे पड़ी हूँ मैं नाली कशु बेबी, सर पे चढ़ी हूँ मैं, चोरी बड़ी सयानी मैं, दुनिया मेरी दीवानी है, गर्मी इतनी पतन में फैली, आग लगा दी पानी मैं। यार देखो गाइस एक बात बोलता हूँ, ये जो बहन का कंपोजिशन है ना, ये जिसने भी कंपोज किया है ये प्रॉपर बॉलीवुड है, प्रॉपर एकदम कमर्शियल ट्रैक वाला कंपोज किया है। वोकल क्वालिटी अच्छी लग रही है बहन की, हाँ वोकल क्वालिटी अच्छी है, उतना ही अच्छा ऑटो ट्यून भी किया है, उतना ही अच्छा ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि बहन का नोट कहाँ कहाँ पे गया, हाँ आप समझ रहे हो, और कहाँ कहाँ बैठा है, कहाँ कैसा बैठाया है, हाँ तो वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी है बहन, बिल्कुल ये मेरे को एक अच्छा वोकल क्वालिटी अच्छी लगी, नो डाउट वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, और मिक्स भी अच्छा किया, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स भी अच्छा किया है, और वो जो सैंपल के बारे में बोल रहा था शहनाई के, वो हम लोग गलत भी हो सकते हैं, बट मेरा जो कान बोला क्या बोलता है, बिल्कुल अभी लगा तो हम लोग बोल रहे है कि नहीं, शहनाई कहा गई बीच में, वो सॉरी शहनाई क्या बोल रहे, अरे वो शहनाई का भी ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा एक सैंपल शहनाई का भी है, वो सैंपल मैं कौन सा याद दे रहा हूँ, अरे यार ठीक है तो बढ़िया यार, पर अच्छा लग रहा है ट्रैक, अच्छा हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि स्वालीना बहन का जो कंपोजिशन है ना वो एकदम ही बॉलीवुड पैटर्न है, एकदम ही लिरिकली तो है ही, एमए बंटाय को का और यंग गालिब का है बॉलीवुड जा ही रहा है, बट स्वालीना का तो एकदम ही कंपोजिशन आया था, मतलब जा रहा है बॉलीवुड में प्रॉपर पकड़ के चल रहा है एकदम एकदम, और बहन के शॉर्ट्स भी वैसे लिए, नाइस नाइस ट्रैक, बिल्कुल अगर कमर्शियल में बोलू तो नाइस ट्रैक, अगर एमईओ बनता है पुराना वाला बोलू तो नहीं, ये अलग वाइब है, हाँ ये अलग बहुत अलग वाइब है, वो आप ये वाले एमईओ बनता है को और वो वाले एमईओ बनता है को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बराबर, हाँ आप समझ रहे हो ना, सबको लेके चलना पड़ता है भाई, हम लोग भी कभी कभी रीजनल करते हैं, हाँ क्यों, बिल्कुल क्योंकि सबको अलग अलग जॉनर पसंद आते हैं, तो हमको भी सबको देखना पड़ता है एग्जैक्टली एमईओ बनता है वो कर रहा है, अंडरग्राउंड वाले को अंडरग्राउंड दे रहा है, कमर्शियल दे रहा है, मतलब समझ रहे ना पब्लिक, हाँ हाँ और कमर्शियल वालों को कमर्शियल दे रहा है, नाइस नाइस ये मुझे अच्छा लगा, चलो मैं पीछे पड़ी हूँ मैं मनाली कशु बेबी सर पे चढ़ी हूँ मैं, चोरी बड़ी सयानी मैं, दुनिया मेरी दीवानी है, गर्मी इतनी पतन में फैली, आग लगा दी पानी मैं, सबको अब तेरे पे क्रश है, चेहरा तो माशाल्लाह गाल पे ब्लश है, जादू कर डाला है अदा तेरा, तभी तो मैं तेरे वश में बोला, सच में खींच लेला कश में, पहले तो सर्च में कोई आके लगाए आग, जमाना तुझसे और मुझसे अब जलती है, साथ तेरे चलती क्या बात, जल्दी क्या बात, पिक्चर तो बाकी है, अपने को दिल और बाकी को राखी है, बना डाले तेरे को जितने भी लाइन में माफी गुस्ताखी है, पीछे पड़ी हूँ मैं पीछे, कुछ तो चल रहा है पता है क्या, वो भी कुछ लिरिक्स लिखी है कड़क में, हाँ ये सुन अभी, हाँ। अभी मेरे को सुनाई आया, हाँ सुन, इनमें माफी गुस्ताख, स्वालीना बहन की बात कर रहा हूँ मैं, वो सुनो, सबसे खड़ी हूँ मैं पीछे पड़ी हूँ मैं, माधुरी आग ही लगा दिया सीधा, जमा 100 नंबर सीधा, नाइस कमर्शियल ट्रैक, और अच्छा लगा, लाइक कुछ अलग दिखा, कुछ अलग एक बात बोलूं, लोकेशन काफी अच्छा डिजाइन किया, अभी वो ओरिजिनल है या सेट डिजाइन किया था, जिसने भी किया था काफी अच्छा, काफी और जिसने भी किया है मजबूत बनाया है, मजबूत बनाया है, और सैंपल अच्छा किया है, जो भी वो बीच वाला जो आया था वो तो बजाया है, हाँ हाँ ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाला था
वो भी अच्छा किया है, वो भी अच्छा किया है, नो डाउट। कमर एक प्रॉपर कमर्शियल ट्रैक है यार, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम लाइक कमर्शियल ट्रैक होते हैं ना, वैसा ही है। सबका फ्लो एकदम प्रॉपर बॉलीवुड टच दे रहा था कहीं ना कहीं। जैसे स्वालिना बहन का जो है वो दिमाग से आ जाते, दिमाग में आ जाते कुछ कुछ चीजें ऐसी। पर नाइस, कुछ अलग लगा, अच्छा लगा। कमर्शियल के हिसाब से अच्छा लगा, कमर्शियल अच्छा है भाई, मैं बता रहा हूँ। शूट अच्छा किया है, अच्छे अच्छे शॉट लिए हैं, काफी अच्छे ड्रेसेस थे, एक ही थे बट अच्छे थे। और एडिट अच्छा किया है, कलर भी अच्छा था, लाइट वाइट बहुत अच्छा सेट किया था ताकि दिखने में और भरी दिखे। मेकअप बहुत अच्छा था जो अमित ने किया है, अच्छा लगा मेरे। नाइस, मुझे अच्छा लगा। प्रोडक्शन मैनेजर कौन है पता है क्या? सुमित सिंह बंटाय भाई अपना, और संजय सोसो एक नंबर। नाइस मैन, नाइस। ऐसे चलते रहने का यार, कुछ ना कुछ अलग देते रहने का पब्लिक को, तो क्या पब्लिक नाराज नहीं होते रहती। तो अभी बंटाय भाई बराबर चल रहा है, क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे फोन आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसा है भाई, मजा आ गया अपने को। हाँ, चलते रहो, ऐसे प्यार देते रहो, ऐसे बंटाय को सपोर्ट करते रहो, और ऐसे भाई के गाने सुनते रहो, और भाई के ओरिजिनल गाना जाके देखो। हाँ, है ना, चैनल पे। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना गाइस। होते हैं कभी कभी प्रॉब्लम्स है कि नहीं, पर हम लोग हर चीज बताते नहीं पब्लिक, जैसे थोड़ा सा हो गया शॉर्ट हो गया, अभी वो आपको रिवील करेंगे उसमें, नहीं करेंगे वो जुड़वास टीवी में, ठीक है। तो गाइस ऐसे प्यार रखो, ऐसे सपोर्ट रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, फिर आउट।